छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। ये घोटाला रमन सिंह के शासनकाल में हुआ था। रमन सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे और उनके समय में घोटाला हुआ। उन्हीं के समय में एसआईटी गठित हुई और इसका जांच भी हुआ। लेकिन नान घोटाला अब भूपेश बघेल की सरकार में एसआईटी गठित हो गई है और परतें खुलती जा रही हैं। यहाँ तक कि ऐसे मामले अब लगातार बनते जा रहे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये चाय की दुकान पर तमाम लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर नान घोटाले को लेकर रायपुर की जनता क्या महसूस कर रही है? देखिए, नान घोटाला में जिस तरह से परते दर परते खुलते जा रही है, रोज नए तथ्य सामने आ रही है और नान घोटाला वास्तव में छत्तीसगढ़ के ऊपर एक धब्बा है, क्योंकि नान घोटाले में जो भी पैसे का और आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं, ये गरीब जनता के हक का पैसा है, उनके दिए जाने वाले अनाज को कुछ प्रभावशाली और संप्रभुत लोगों ने जो छत्तीसगढ़ के मतलब ये गरीब जनता का पैसा था। हम आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइए आप क्या सोचते हैं, गरीब जनता का पैसा था 36,000 करोड़, उन तमाम गरीब लोगों का था जिनका जो अपने एक पल की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत जुआड़ते हैं, किसी तरह से अपनी मजदूरी करके पेट चलाते हैं, उनके हक का पैसा खाया गया और अमाउंट बहुत बड़ा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रमन सिंह एंड गैंग ने वाकई गरीबों के हक पे डाका डाला। यह घोटाला प्रति माह जो था 3,000 करोड़ रुपए का था। 30 लाख फर्जी राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कुल 56 लाख ही परिवार हैं। मतलब बड़े पैमाने पे फर्जी राशन कार्ड के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया। और रमन सिंह अब जिस प्रकार से शिवशंकर भट्ट का बयान आ रहा है, तो जो रमन सिंह चावल वाले बाबा कहलाते थे, वो चावल वाले चोर कहलाएंगे तो ज्यादा अधिक उपयुक्त होगा। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सीधे आरोप लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है? जो घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में रमन सिंह के शासनकाल में, बहुत बड़ा घोटाला, उसकी जांच होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की जनता है वो लगातार ये मान रही, लेकिन भाई साहब आपने एक बहुत बड़ी बात बोली। आपका क्या नाम है? मैं कुणाल शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता, तभी आप बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से जाँच हो रही है, इसमें नाम कई आ रहे हैं। शिवशंकर भट्ट का नाम साफ तौर पर आ रहा, पहले वो मुजरिम थे, अब जो है वो गवाह बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शक के दायरे में लाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो इस परतों को खोलना चाहती, उसको लग रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है और बाकी घोटालों में बहुत सारे नाम आ सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी कई और नाम सामने आने बाकी हैं, अभी बड़े बड़े घोटाले खुलासे होने बाकी हैं। अभी भी कई लोग ऐसे संबंधित अधिकारी हैं जो पूर्ववर्ती सरकार के करीबी थे, फरार चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यह सरकार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के हित में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार, ऐसा पहली बार लग रहा है। और ऐसे घोटालेबाजों को जेल जाना देखिए निश्चित है। आप क्या मानते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये गरीबों के हक का पैसा है और इस पे जो भी घोटाला और जो आर्थिक अनियमितताएं बड़े पैमाने पर एक बड़ी राशि के गबन और भ्रष्टाचार के रूप में, चुनावी चंदे के रूप में एक पार्टी के द्वारा उस नान घोटाले के पैसे से पूरा चुनाव लड़ा गया और सत्ता पे आया गया और फिर जनता का शोषण किया गया, तो इसमें केवल इस घोटाले में संलिप्त प्यादे ही नहीं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड हो, जिनके शय पे, जिनके संरक्षण पे इस पूरे काले कृत्य को अंजाम दिया गया, उन सभी लोगों को, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली हो, कितने भी ऊंचे रसूखदार राजनीति में पकड़ रखने वाले हो, उन सबको उनके कृत्यों की सजा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में गरीबों के पैसे और आम जनता के पैसा, जो सरकारी जन कल्याण की योजनाएं हैं, उसमें किसी भी तरह का घोटाला करने का कोई भी हिम्मत ना कर सके। डायरेक्ट रमन सिंह का नाम अब आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि रमन सिंह का पूरा परिवार इसमें संलिप्त था, एक डायरी खुली थी। आपको क्या लगता है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। रमन सिंह के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनके संरक्षण में सब काम हुआ, उनकी देखरेख में ही सब काम हुआ, और जो अधिकारी हैं जो उसमें संलिप्त था, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम एक सवाल लेते हैं आम आदमी से। सर, पान वाले भाई साहब, ये एक नान घोटाला हुआ था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? मुझे कोई पता नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं है आपको? कहीं ना कहीं इनको नहीं पता है। भाई साहब, आप जानते हैं नान घोटाले के बारे में? नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको ये
ये बातें पता नहीं है नान घोटाले के बारे में, लेकिन जो मामला है ये काफ़ी संगीन मामला है। हालांकि वर्तमान भूपेश सरकार ने SIT गठित कर दी है और उसकी जो जांच होनी चाहिए जांच हो रही है। सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं, उनके परिवार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में पूरा परिवार मिलकर और जो तमाम अमला था, अधिकारी अमला था या बड़े नेता थे, वो तमाम नेता मिलकर इस पूरे 36 करोड़ में बंदर बांट किया है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच में क्या खुलकर आता है, छत्तीसगढ़ की जो आम जनता, गरीब जनता है, उसको इंसाफ मिल पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ श्री प्रकाश तिवारी, R9 TV।